भाई मेरे को तो बहुत मजा आता है यूएफओ के बारे में बात करने में। और आपको पता है यूएफओ को अब यूएफओ कहते नहीं है, उनका ऑफिशियल जो टर्म है वो अब यूएपी है, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। और एक और अब आ गया है अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज फिनोमेना, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं यूएफओ के बारे में, अपना एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। जैसे रणवीर अलाहाबादिया है, उसने भी एक पॉडकास्ट में अपना एक्सपीरियंस बता रखा है। एक्चुअली मैंने भी एक यूएफओ देखा है मेरी लाइफ में। बेसिकली ट्रेन में था हम लोग, आई थिंक जयपुर जा रहे थे, ट्रेन से इट वाज गोइंग थ्रू अ पार्ट ऑफ अ डेजर्ट। मैं और मेरा एक फ्रेंड वी वर अवेक इन द ट्रेन, सिर्फ हम ही जगे हुए थे। रात के 3 या 3:30 बजे थे। मेरे को एक पिंक लाइट दिख रही थी, मेरे को पिंक लाइट बहुत अजीब लग रही थी। पहले मेरे को लगा कोई प्लैनेट रहेगा, मतलब वीनस शीनस टाइप प्लैनेट रहेगा, और सडनली वो पिंक लाइट ऐसे उड़कर चली गई। और एक और चैनल है रॉनी एंड बाटी करके, उनका एक व्लॉग था जहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उन्हें एक यूएफओ दिखा था हिमाचल में, और उनको आज तक नहीं पता कि जो उन्होंने चीज देखी वो एक्चुअली में थी क्या। बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंसेस बता रखे हैं, जैसे कि पोस्ट मलोन, ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है यूएस में, उसने भी कंफर्म कर रखा है कि मल्टीपल ओकेजंस में उसको यूएफओस दिखे हैं। तो ये क्या है, अगर आप इन लोगों की स्टोरी सुनो बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है। लेकिन पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कभी कभार कि 10% चांस ऐसे भी हैं कि जो उन्होंने देखा शायद से वो यूएफओ नहीं था, कुछ और ही चीज़ थी। मतलब थोड़ा सा दिमाग में डाउट आता है। और बहुत सारे लोग भी हैं जो उनके फॉलोअर्स हैं जो कि बिलीव नहीं करते हैं, जो कि नॉर्मल है, बिकॉज आपने जो खुद आंखों से नहीं देखा है आप उस पर बिलीव नहीं करोगे। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि नेवी के बंदे ऐसे कह रहे हैं, और स्पेसिफिकली यूएस नेवी के बंदे, तो आप बिलीव करोगे? क्योंकि जब ऐसे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं कॉन्वर्जेशन में तो क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है। अगर मैं यूएस नेवी का ही बताऊं तो डेविड फ्रेवर और चैड अंडरवुड की स्टोरी सबसे अलग है। तो ये दोनों पायलट्स थे यूएस नेवी में, और ऑब्वियसली ये यूएस नेवी में है तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो कोस्ट के बहुत दूर ओशन में होती है, विच इज बेसिकली मिडिल ऑफ नोवेयर। तो इनकी ट्रेनिंग में ये होता है कि इनकी डेस्टिनेशन सेट होती है, इनको टेक ऑफ करना होता है, इनको डेस्टिनेशन पे अपने पहुंचना होता है और थोड़े बहुत मनूवर्स करके वापस आ जाना होता है। लेकिन 2004 के नवंबर में जब डेविड फ्रेवर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे थे, तब उनको रेडार में कुछ अजीब सी चीज दिखी जो कि 60,000 फीट की ऊंचाई में थी सी लेवल के। एंड ऑब्वियसली यूएस नेवी वहां ट्रेनिंग कर रही है तो ऐसी चीज वहां पे होनी नहीं चाहिए थी, बिकॉज सिक्योरिटी को बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन उसके बाद जो चीज हुई डेविड फेवर ने आज तक वो कभी नहीं देखी। वो चीज 60,000 फीट की ऊंचाई से सीधा गिर के 50 फीट तक आ गई, और वो भी एक सेकंड में, जो कि 2004 में पॉसिबल नहीं थी एंड अभी भी पॉसिबल नहीं है। एंड डेविड फेवर वो शॉक्ड, और इसीलिए उनको बोला गया कि इस चीज को इन्वेस्टिगेट करो कि एक्चुअली में है क्या। एंड डेविड फेवर को ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हुई इन चीजों को ट्रैक करने में, बिकॉज इनकी मूवमेंट बहुत अनयूजुअल थी। एंड मेन बात ये थी कि इन चीजों की एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा थी, मतलब ये चीजें एकदम से स्पीड पकड़ती थी। और डेविड फेवर ने इन यूएफओस को देखा अपनी आंखों से पहली बार, तो उन्होंने बताया कि ये टिक टैक शेप के हैं। और डेविड फेवर ने एक और चीज नोटिस करी जो कि सबसे वियर्ड थी, और वो ये थी कि इस ऑब्जेक्ट का कोई प्रोपल्शन सिस्टम था नहीं। मतलब जैसे जो डेविड फेवर जेट चला रहे थे उसमें इंजन होता है और इंजन के थ्रू जेट उड़ता है, लेकिन इसमें ऐसी चीज कहीं दिख नहीं रही थी। एंड एक और बात, इन चीजों से आवाज ही नहीं आ रही थी बिल्कुल, बिकॉज जेट को उड़ते हुए देखा होगा अगर किसी ने भी, तो बहुत ही स्पीड से उड़ते हैं और बहुत ही ज्यादा आवाज आती है, लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स में ऐसी कोई आवाज थी नहीं जबकि ये इतनी ज्यादा स्पीड से उड़ रहे थे। तो उसके बाद ये डेविड फेवर के सामने से गायब हो गए एकदम से। और जैसा मैंने पहले बताया था कि जब भी इनकी ट्रेनिंग होती है तो इनकी डेस्टिनेशन सेट होती है पहले से, तो पायलट्स को वहां तक जाना होता है। लेकिन इनके रेडार में क्या आता है, वो डेविड फेवर के सामने से गायब, और जहां पे उनकी डेस्टिनेशन थी वहां पहुंच गया, जैसे कि उस ऑब्जेक्ट को पता था कि ये लोग कहां जाने वाले हैं। उसके बाद चैड अंडरवुड जो कि एक और पायलट है नेवी में, उन्होंने इस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना शुरू कर दिया, एंड उनके एयरक्राफ्ट ने वीडियो भी ली इस ऑब्जेक्ट की, जो कि पेंटागन ने इतने सालों बाद 2020 में कंफर्म किया कि हाँ ये यूएस नेवी की ही वीडियो है। My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. That's not an LNS though, is it? It's not. That is an LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Roger,
Can you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow. Look at the fly. जिस हिसाब से इस वीडियो में पायलट की आप आवाज सुन सकते हो उससे आप पता लगा सकते हो कि पायलट्स भी कितने अमेज्ड हैं इन ऑब्जेक्ट्स को देखने के बाद। ये 2004 की बात। एक और पायलट है ब्रायन ग्रेव्स करके, वो जो रोगन पॉडकास्ट में भी आ रखा है, वो लेक्स ट्रीटमेंट के भी पॉडकास्ट में आ रखा है, और उसने भी अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं। लेकिन उसने जो एक चीज बताई वो ये थी कि 2014 के बाद यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट में जो रेडार सिस्टम है वो अपग्रेड हुआ था, और अपग्रेड होने के बाद ब्रायन ग्रेव्स ने ये बताया कि ये चीजें हर जगह दिखती हैं अब। और उसी रेडार की एक और वीडियो है जो कि 2019 में ली थी, जो कि ब्रायन ग्रेव्स की बात कंफर्म करती है। Track 781 just sped up to 46 knots, 50 knots, closing in. Oh, actually 38 knots, holy shit, that one's pretty much perfectly 000 relative, right? Yeah. 263 in 3 miles, 55 knots, speed. और ब्रायन ग्रेव्स ने एक और चीज बताई कि ओशन के बीच में विंड्स बहुत ज्यादा चलती हैं और बहुत ही पावरफुल विंड्स चलती हैं, और इन ऑब्जेक्ट्स को इन विंड्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्टेशनरी हवा पे लेविटेट करती रहती हैं चाहे विंड्स कितनी भी तेज चल रही हो, जो कि आई थिंक विच इज बिजार। तो ये ऑब्जेक्ट्स काम कैसे करते हैं? किसी के पास इन्फॉर्मेशन है कि एक्चुअली में इनका पावर सोर्स है क्या? बिकॉज डेविड फेवर के हिसाब से इसमें कोई इंजन नहीं लग रखा, कुछ भी नहीं है, और ये बिल्कुल साइलेंटली मूव करती है। यहाँ पे मैं बात करूंगा बॉब लजार की, क्योंकि अगर UFO की कॉन्वर्जेशन हो रही है और बॉब लजार का नाम नहीं आया तो कॉन्वर्जेशन बेकार है। तो बॉब लजार US में साइंटिस्ट था, अब आई डोंट नो क्या करता है, लेकिन 1989 में बॉब लजार फेमस हो गया था क्योंकि वो पहला आदमी था जिसने सामने से आके ये बोला कि इन UFOs को मैंने देखा है और मैंने इन पे काम भी किया है। तो बॉब लजार के हिसाब से वो एरिया 51 के पास एरिया S4 में काम करता था, एंड उसको हैंड पिक किया था उस जॉब के लिए। और उसने ये बताया कि उसका जो काम था वहां पे वो इन ऑब्जेक्ट्स को बैक इंजीनियर करने का था, मतलब ये पता लगाने के लिए कि ये काम कैसे करते हैं, ये उड़ते कैसे हैं। और जो उसने 1989 में ये खुलासा किया तो सारे लोग उस पर हंस रहे थे, उस पर कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था और सबको लग रहा था कि ये फेम लेने आया है। लेकिन जो उसने 1989 में बातें बोली वो आज की डेट में प्रूव हुई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब भी उनका सिक्योरिटी चेक होता था अंदर जाने के लिए, तो उसने बताया कि उनका एक हाथ का स्कैनर होता था, और ये कोई बायोमेट्रिक स्कैनर नहीं था। बॉब लजार के हिसाब से वो स्कैनर आपके हाथ की बोन्स की लेंथ और उसकी डेंसिटी से आपको आइडेंटिफाई करता था, जो कि आज की भी डेट में अगर मैं किसी को बताऊं तो किसी को बिलीव होगा नहीं, और 1989 में तो लोग उसके मुंह पे हंसते थे। लेकिन इतने सालों बाद ये प्रूव हुआ है कि ऐसा स्कैनर उनके पास था, और उसकी फोटो भी कहीं ना कहीं इंटरनेट में है। और दूसरी बहुत बड़ी चीज, हम सब यही सोच रहे हैं ये उड़ते कैसे हैं, इनका पावर सोर्स क्या है, किसके पास है जवाब। तो बॉब लजार ने इसका भी आंसर दिया। जब ही वो इन चीजों पर काम कर रहा था उसने आइडेंटिफाई किया कि इन ऑब्जेक्ट्स का एक ही पावर सोर्स है, वो है एलिमेंट 115। पर ये एलिमेंट 115 करता क्या है? बॉब लजार के हिसाब से ये जो एलिमेंट 115 है ये एक्चुअली में स्पेस बेंड करता है, विच वॉज वियर्ड बिकॉज आज तक हमें यही पता था कि जिस ऑब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मास होता है वही स्पेस को बेंड कर सकता है, और जितना ज्यादा मास होता है उतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है। बट ये एलिमेंट 115 somehow इस UFO के अराउंड स्पेस बेंड करता है, जो इस ऑब्जेक्ट के अराउंड ग्रेविटी है उसको मैनिपुलेट करती है, और ऐसे ये ऑब्जेक्ट उड़ पाता है। और यही एक रीजन है कि इन ऑब्जेक्ट्स की इतनी ज्यादा स्पीड है। अब बताओ 1999 में कोई ऐसी चीज बोले तो पूरी साइंस कम्युनिटी उसके ऊपर क्या करेगी? तो वही है, सब मजाक उड़ाने लगे, बोले क्या बकवास कर रहा है। लेकिन कुछ सालों पहले एक पार्टिकल एक्सेलरेटर एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हुआ था कि यस एलिमेंट 115 एग्जिस्ट करता है, बट इन एन अनस्टेबल फॉर्म, वो स्टेबल नहीं है। तो ये बात भी बॉब लजार की प्रूफ हो गई जो कि उसने 1989 में कहा था। और उसने एक एक्सपीरियंस अपना बताया कि एक दिन उनकी टेस्ट फ्लाइट हो रही थी जहां पे इन ऑब्जेक्ट्स को उड़ा के देख रहे थे, और बॉब लजार के हिसाब से जब भी आप इन ऑब्जेक्ट्स के जस्ट नीचे खड़े हो और आप ऊपर देखते हो तो ये आपको नहीं दिखेंगे, बिकॉज अगर इसके अराउंड स्पेस बेंड हो रहा है तो लाइट भी बेंड होती है, तो आपको सिर्फ क्लियर आसमान दिखेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। तो बताओ किसी भी आर्मी के पास ऐसी कैपेबिलिटी है
कि उनका एयरक्राफ्ट ही नहीं दिख रहा है, उनको कितनी बड़ी एडवांटेज है। और जब बॉब लाज़र को एरिया S4 से उसकी जॉब से निकाला तो उसने अपनी फैमिली को बताई ये चीज, एंड ऑब्वियसली उसकी फैमिली में कोई माना नहीं पहले। तो उसको एक चीज पता थी कि हर वेंसडे इन UFOs की टेस्ट फ्लाइट होती है, और उस वक्त एरिया 51 में इतनी सिक्योरिटी होती नहीं थी, आज के टाइम पे तो वहां तक जा भी नहीं सकते हो। तो वो अपनी फैमिली को उस एरिया के बाहर जो हाईवे है वहां ले गया रात को, कि वो चाहता था कि कोई और नहीं लेकिन मेरी फैमिली तो मेरे पे यकीन करे। और जब उसकी फैमिली वहां पहुंची और उन्होंने देखा वहां पे उनको वो ऑब्जेक्ट्स दिखे, और उन्होंने उसकी वीडियो भी ली, और उस वीडियो में दो लाइट्स हैं जो कि ऐसे 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 करके मनोवस कर रही हैं, जो कि उस टाइम पे कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं कर सकता था। तब जाके उसकी फैमिली को लगा कि हाँ ठीक है, ये पागल नहीं हुआ है। लेकिन क्या पता बॉब लाज़र अभी तक झूठ बोलते हुए आया है, और अगर उसने झूठ बोला है तो भैया क्या झूठ बोला है, क्योंकि उसकी स्टोरी कंसिस्टेंट रही है। इतने साल बीत गए, उसने वही चीज बार 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 कंसिस्टेंटली बताई है। तो अगर वो झूठ बोल रहा है भैया, मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हूँ। और हाँ, मैं तो बोल ही गया, मिलिट्री की बात हमने पहले करी थी। आपको पता है अब एक अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स आ गए, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स था पहले, अब अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, ये सबमर्ज्ड अंडर वाटर। और US नेवी ने ही एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी जहां पे एक ऑब्जेक्ट उड़ रहा है और वो सीधा चला जाता है ओशन के अंदर। Took off, spooking it. Frank Omaha, pick me kid, Rocco Peralta, pass ability to launch Hilo ASAP. It's flashing and bearing rain. Sure. Yeah. Got 2 minutes, 3 knots. Keep going, bro. So, let's go down. We're making 10, so we can probably bring back 35 relatives. Which one is fuck up, huh? Sir. Yeah, I'll bring it down. We got some, a lot of white water out there, some 6 foot swells. Whoa, it's getting close. Yeah, we have 31 knots sustained wind, topside, gust of 40. Whoa, splashed. Splashed. Mark bearing and range.